नमस्कार, केसीएन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं एमजेड खान। आइए डालते हैं एक्सक्लूसिव और ताजा खबर पर एक नजर। जोरापोखर पुलिस ने डिगवाडी बालू लाइन बस्ती निवासी शैलेंद्र खरवार के आवास में गुप्त सूचना के आधार पर मारा छापा। भारी मात्रा में अंग्रेजी और देसी अवैध शराब जब्त। 200 पीस अंग्रेजी और 600 देसी बोतल बरामद। संचालक शैलेंद्र खरवार मौके से हुए फरार। छापामारी का नेतृत्व जोरापोखर इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी राजदेव सिंह कर रहे थे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे झरिया ब्यूरो शिशिर कुमार की रिपोर्ट। देखिए, वो कल जो गुप्त सूचना मिली थी कि बालू लाइन में शैलेंद्र खरवार हैं, उनके घर में अवैध देसी और अंग्रेजी शराब रख करके और बिक्री कर रहे हैं, तो इस सूचना पर टीम गठित किया और हम अपने थाना के सुमन कुमार सिंह सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में रेड पार्टी तैयार करके छापामारी करवाया। तो शैलेंद्र खरवार के घर से करीब 200 पीस छोटा बड़ा विभिन्न ब्रांड के अंग्रेजी शराब और करीब 600 पीस देसी शराब के बोतल बरामद हुए और बियर भी बरामद हुए हैं। सभी बरामद को जब्त किया गया है। उसके आधार पर शैलेंद्र खरवार के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है। शैलेंद्र खरवार फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। किसी गिरफ्तारी हुई कैसे? गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कौन से क्षेत्र में? ये बालू लाइन जोरापोखर। ये अभियान आगे भी चले? ये अभियान चलेगी और जो अवैध शराब के जो कारोबार कर रहे हैं उन पर नकेल कसी जाएगी, जिसके चलते कोयलांचल का खास करके बात कर रहे हैं सर, तो जिस तरह से आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, आप इस पर लगातार किस तरह से नकेल कसेंगे आप? मेरा मानना है कि इस शराब पर अभी नज़दीक में तो बसंत पंचमी है, जिसमें जुलूस वुलूस निकलते हैं या होली का त्यौहार आ रहा है, तो इसमें सामाजिक सौहार्द न बिगड़े और जो असामाजिक तत्व शराब पी करके हुड़दंग मचा करके और शांति भंग करते हैं, इन पर नकेल कसने के लिए तैयारी की जा रही है और इसके कड़ी में यह कार्रवाई पहली आप लोग के सामने। अवैध शराब का जो कारोबार अगर शुरू हो रहा है जगह जगह, जिस तरह से नकली शराब बनाया जा रहा है, होली को खपा, वो किस तरह से उस पर उसके विरुद्ध किस तरह कार्रवाई होगी? इन्हीं सब बातों को चुनौती में मैं लिया हूं और इसका अभियान मैंने शुरू कर दिया है और आगे आप देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई और एक्सक्लूसिव खबर लेकर। आप बने रहें केसीएन टीवी के साथ, हम बने रहेंगे आपके साथ। नमस्कार।